कई लिहाज से देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने जगह जगह बारिश का जिक्र किया है, पानी का जिक्र किया है, और पानी के ज़रिए जो मुख्तलिफ नेमतें हमको अता हुई हैं अल्लाह ताला ने बकायदा उसका जिक्र किया है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि सूरह अंबिया में आयत नंबर 30 में वजअलना मिनल माई कुल शैइन हय, अल्लाह फरमाता है कि हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। दुनिया का कोई जीव, कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी तख्लीक पानी से ना हुई हो। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमने सबको किससे पैदा किया, हर जानदार को अल्लाह ताला ने पानी से पैदा किया। दूसरी बात यह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तो पानी से सबको पैदा किया और उनकी जिंदगी का इन्हिसार भी पानी पर है। पैदा होने के बाद भी उन्हें आखिरी सांस तक पानी चाहिए, अगर पानी नहीं मिला तो वो जिंदा नहीं रह सकते। पीने के लिए भी चाहिए, और जो ग़िज़ा वो लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उस खाने और उस ग़िज़ा की पैदावार के लिए पानी की ज़रूरत है। एक तो ख़ुद के ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, पानी पीने की भी ज़रूरत है, पानी के साथ जो खाना खाते हैं ना, वो खाना भी बगैर पानी के पैदा नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ने इन सब चीज़ों को कुरान में जिक्र किया। चुनांचे सूरह नहल आयत 10-11 में अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी अनज़ल मिनस समाई माअन, वही अल्लाह है जिसने आसमान से बारिश बरसाया, पानी बरसाया, लकुम तुम्हारे लिए, मिनहु शराब, अब जब पानी आसमान से बारिश हुआ तो पानी का एक हिस्सा तुम पीते हो, व मिनहु शजर, और पानी का एक हिस्से से शजर ये पौधे ये दरख्त उगते हैं, फीही तुसीमून, और इस दरख्त के पत्तों से और इस नबातात से ये जो जानवर हैं वो ग़िज़ा हासिल करते हैं, चरते हैं वो। युम भी तो लकुम भी ज़रा, अल्लाह ताला पानी से खेतियाँ उगाता है, व जैतूना व नखीला, जैतून, और इसी तरह से खजूर के बागात, वल आनाब अंगूर, व मिन कुल तमरात, और हर तरह के फ्रूट्स, हर तरह के मेवे, हर तरह के फल, ये कहाँ से आते, पानी से आते। इन नफी दालिका लाआया, इन तमाम चीज़ों में निशानी है, ले कौमी ये तफक्करून, उनके लिए जो गौर व फिक्र करने वाले, तो जो गौर करेंगे तो अल्लाह ताला की ये कुदरत उनके सामने आएगी, ये नेमत उनके सामने आएगी। तो पानी की नेमतों की कई, यानी कई लिहाज से पानी हमारे लिए नेमत है। हमारी ज़िंदगी पानी से है, हम जो है पानी पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हम जो खाना खाते हैं वो भी पानी से पैदा होता, जो जानवर हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी पानी की ज़रूरत है, और एक बहुत बड़ी चीज़ ये कि हमें ज़िंदा रहते हुए सफाई सुथराई की ज़रूरत है, हमें क्लीन साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और इस्लाम ने तो सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया है सफाई सुथराई की। हमारी जो हदीस की किताबें हैं उसमें आप देखेंगे उस इबादत में शुरुआत किताबुत तहारा से होती है। हदीस की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं तो किताबुत तहारा या तो किताबुल इल्म से शुरू होगी या फिर किताबुत तहारा से, यानी सबसे पहले तहारत, गुस्ल के आदाब सिखाए जाएंगे, वज़ू के आदाब सिखाए जाएंगे, पाकी हासिल करने के आदाब सिखाए जाएंगे, फिर नमाज रोज़ा सिखाया जाता है। तो ये जो तहारत है ना, पाकी सफाई, इसके लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है। पानी के ज़रिए ही हम पाकी हासिल कर सकते हैं। पानी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वक्ती तौर पर आदमी सफाई हासिल करता है, लेकिन जिस तरह से पानी से नज़ाफ़त हासिल होती है, सफाई सुथराई हासिल होती है, कोई और चीज़ उसका बदल नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा है सूरह अनफाल आयत नंबर 11 में وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाता है, لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, ताकि इसके ज़रिए तुमको पाक कर दे, तुमको साफ कर दे, क्लीन कर दे तुम। तो पानी के ज़रिए हम सफाई सुथराई भी हासिल करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है ना। आदमी गंदा रहे और पानी ना मिले नहाने के लिए, बाथरूम में जाए पानी ना हो और अपने आप को साफ ना कर सके, तो कितना बड़ा अजाब, कितनी बड़ी तबाही है उसके लिए। यह भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि हम जो रोज़मर्रा हमें अपने आप को क्लीन करने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने पानी का निज़ाम रखा है, हम अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। वरना अगर पानी ना हो तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या हालत हो जाएगी हमारी। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है पानी, हर लिहाज से पानी से हमारी ज़िंदगी है, पानी हम पीते हैं, पानी जो खाना खाते हैं वो भी पानी से उगते हैं, और पानी से हम तहारत हासिल करते हैं। तो इन तमाम पहलुओं से हम गौर करेंगे तो पता चलेगा कि पानी कितनी बड़ी नेमत है, इसलिए इस नेमत के बारे में क़यामत के दिन से सवाल होगा।
ऐसे ही फायदे मंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।